हाय, आपका स्वागत करता हूं मैं इस आज के बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। आज के इस सेशन में मैंने फाइव लेक्चर्स को कंबाइन किया है। जो फाइव लेक्चर्स कंबाइन होकर आपको साइबर एथिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे। तो ये फाइव लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हैं वो आपको अपने स्क्रीन पर विजिबल है। ओके, तो मेक श्योर कि आप इस पूरे सेशन को देखें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ई कॉमर्स क्या होता है? तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना या सेल करना। ओके, अब गुड्स या सर्विसेज क्या होती है? जैसे कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो कहलाएगा आपका गुड्स। सर्विसेज मींस कुछ हेल्प लेना। ओके, तो सर्विसेज जैसे कि आप मुझसे सीख रहे हो तो आप मेरी सर्विस ले रहे हो, बट उसके लिए मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सर्विस का जो है वो चार्ज पे भी कर सकते हो, चाहे आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, और गुड्स जो होते हैं उनका भी आप चार्ज पे कर सकते हो। तो ई कॉमर्स का मीनिंग क्या हो गया? इंटरनेट का यूज करके गुड्स या सर्विसेज को बाय करना या सेल करना क्या कहलाता है? हमारा ई कॉमर्स मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस करना कहलाता है ई कॉमर्स। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कई तरीके के हो सकते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस। इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो एक बिजनेस होता है वो दूसरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि कई वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्ट करता है ना, और उनके प्रोडक्ट खरीदता है, या वो आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ओके, नेक्स्ट तरीके का जो ई कॉमर्स होता है वो होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जहां पर एक कस्टमर एक बिजनेसमैन से प्रोडक्ट खरीदता है ऑनलाइन। तो amazon.com या amazon.in या फिर Flipkart, ये एक एग्जांपल है बिजनेस टू कस्टमर के, जहां पर जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं किन से? बिजनेसमैन से। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है कस्टमर टू कस्टमर। अब जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचता है या सर्विस बेचता है ऑनलाइन, तो वो क्या कहलाता है? आपका ई कॉमर्स कहलाएगा। वो भी कौन सा वाला? कस्टमर टू कस्टमर, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, OLX। तो OLX क्या है? एक कस्टमर टू कस्टमर टाइप का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एग्जाम्पल है। ओके, तो आपको ई कॉमर्स और उसके टाइप्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं प्राइवेसी की। तो प्राइवेसी का मीनिंग क्या है? प्राइवेसी मींस कि जो हमारा डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इंटरनेट पर प्रोटेक्टेड है या नहीं। अब जब हम ई कॉमर्स में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई सर्विस खरीद रहे हैं, तो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप भी जानते हो, जब आप अपना पेटीएम नंबर एंटर करते हो या फिर जब आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हो, तो उस वक्त हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट पर ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारा डेटा सिक्योर है या नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक पार्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के उस पार्ट की वजह से इंटरनेट पर प्राइवेसी होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। जो वेबसाइट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है, उन वेबसाइट को ध्यान रखना पड़ता है प्राइवेसी का। ओके, तो प्राइवेसी मींस डेटा प्रोटेक्शन। तो प्राइवेसी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो एक तो प्राइवेसी होती है हमारी तरफ से, जो कुछ हम स्टेप्स हम ले सकते हैं, और एक जो प्राइवेसी होती है वो होती है उन वेबसाइट ओनर की जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम प्राइवेसी समझेंगे हमारी तरफ से कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं प्राइवेसी के लिए। ओके, तो सबसे पहला जो हम स्टेप ले सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, है ना। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल या स्मॉल अल्फाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए कि हमने हमारा डेट ऑफ बर्थ लगा दिया, या फिर हमारा कुछ ऐसा सिंपल जो मतलब कोई गैस कर ले आपका फ्रेंड, तो ऐसा कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। हमें हमारा पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि, या फिर हमने कहीं लिख कर रख लिया है, तो ये चीज़ भी हमको नहीं करनी चाहिए। तो पासवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसे सिर्फ हमें अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए। ओके, तो ऐसा पासवर्ड लिखना चाहिए जो कोई भी गैस ना कर सके, जो कोई भी बिल्कुल भी सोच ना सके, ऐसा पासवर्ड आपको रखना चाहिए आपके फेसबुक आईडी का, अमेज़ॉन का, या आपके डेबिट कार्ड का नंबर। ओके,
नेक्स्ट टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब ये प्राइवेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल्ड होता है ना, तो कोई भी आपका ईमेल अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट को हैक नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, देखो, जब आप सपोज कि आपका पासवर्ड किसी को मिल गया, ठीक है, आपका पासवर्ड किसी को मिल गया और उसने लॉगिन किया, लेकिन आपका जो ईमेल आईडी है उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका जो फोन नंबर होगा या ईमेल आईडी होगा जो दूसरा होगा, है ना, उस ईमेल आईडी पर एक और पासवर्ड जाएगा, ओटीपी जिसको बोलते हैं, और वो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसको, जिसको आपका पासवर्ड मिल चुका है, ओके। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, एक तो जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड है वो एंटर करना पड़ेगा और एक ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। तो हमेशा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना चाहिए प्राइवेसी के लिए, ओके। तो ये आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि जब भी आप जानते हो जब हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक ओटीपी आता है, तो वो क्या, एक टू स्टेप वेरिफिकेशन है कि ऐसा तो नहीं है कि डेबिट कार्ड किसी और के हाथ में लग गया और उसे पिन पता है तो वो निकाल सकता है, है ना। तो डेबिट कार्ड में तो बेशक टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन जब हम ऑनलाइन ई कॉमर्स करते हैं तब टू स्टेप वेरिफिकेशन होता ही होता है। बेशक हम अपना डेबिट कार्ड का पिन लगा देते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कोई पेमेंट करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, एक ओटीपी यानी कि सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन वाला पासवर्ड जरूर आता है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद प्राइवेसी के लिए है रीचेक। रीचेक में है SSL या फिर CVV। तो CVV जो है वो आप जानते हो, CVV क्या होता है, CVV जो आपका डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है उसके पीछे एक नंबर होता है, इट्स कॉल्ड CVV, है ना। तो वो हमेशा अपना सेव करके रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। बात करते हैं SSL की। SSL मीन्स सिक्योर सॉकेट लेयर। अब किसी वेबसाइट पर हम विजिट कर रहे हैं, उस वेबसाइट का जहां पर वेबसाइट का नेम स्टार्ट होता है www करके, उससे पहले आपको देखना है एक लॉक होता है, अगर वो लॉक लगा हुआ है ना तो वो वेबसाइट SSL सर्टिफाइड है, मतलब कि वो वेबसाइट आपके लिए बिल्कुल सिक्योर है। उस पर आप अपना जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, अपना पासवर्ड, अपना ईमेल आईडी, ये सब स्टोर कर सकते हो, उस वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो जहां पर SSL वेरीफाइड होता है, ओके। तो कैसे वेरीफाई करोगे, www जहां पर वेबसाइट का नाम स्टार्ट होता है ना, ब्राउजर के सबसे टॉप वाले पार्ट में, है ना, तो वहां पर आपको देखना एक लॉक लगा हुआ होता है, तो वो चीज आपको चेक करनी है, ओके। वो लगा है तो योर वेबसाइट इज गुड टू गो। और आजकल तो SSL होना है, कंपलसरी है हर एक वेबसाइट के लिए, ओके, क्योंकि इंटरनेट सिक्योरिटी का सवाल होता है। अब बात करते हैं रीचेक की। तो रीचेक मींस कि जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो या आपके पास कोई लिंक आया या आपके फ्रेंड ने कोई मैसेज भेजा है, तो हमेशा उस लिंक को चेक कर लो, ठीक है। उस लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन डालने से पहले चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है उस लिंक के अंदर एक ऐसा डेटा मौजूद है या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है या ऐसा कुछ कोड मौजूद है जिस पर अगर आप अपना डेटा एंटर कर दो तो आपका डेटा हैक हो जाए, है ना, आपकी प्राइवेसी में दखल हो जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपके एक फ्रेंड ने आपको एक मैसेज भेजा और उसमें बोला है कि मेरी ये जो फेसबुक आईडी का ये पोस्ट है इस पर ना लाइक कर दो या फिर इस पर कमेंट कर दो या वोटिंग कर दो। आपने कहा ठीक है, मेरे फ्रेंड ने भेजा, आपने कर दिया, ठीक है, आप उस पेज पर गए, अब उस पर आपको लॉगिन मांगेगा, आपने लॉगिन कर दिया, तो ये एक तो ओरिजिनल हो सकता है कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही पोस्ट है। एक ऐसे हैकिंग वाले भी होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि आपके फ्रेंड ने आपको पोस्ट भेजा, आपने लॉगिन किया और वो जो पोस्ट था ना वो ओरिजिनल नहीं था, वो ओरिजिनल फेसबुक आईडी नहीं थी, वो एक फेक वेबसाइट का पोस्ट था, और लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या है, एक आपका ओरिजिनल फेसबुक का पोस्ट है। तो आप लॉगिन करोगे तो आपने उस फेक वाली वेबसाइट पर लॉगिन किया, आपके सारा डेटा स्टोर हो गया वहां पे, ईमेल आईडी पासवर्ड पता चल गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका पासवर्ड के जरिए आपकी जो ईमेल आईडी है या आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो कोई हैक कर सकता है। तो ध्यान रखना, कोई आपको लिंक भेज रहा है, उस लिंक पर अपना डेटा एंटर करने से पहले हमेशा क्या करना है, चेक करना है कहीं ये फेक तो नहीं है, ओके। तो चेक का मतलब समझ में आ गया, रीचेक करने का मतलब, ओके। नाउ बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं कि किस तरीके से हमसे ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड मींस हमसे हो सकता है कि हमारी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाए या हमसे पैसे की डिमांड की जाए, या फिर पैसे की डिमांड किस तरीके से की जा रही है, या तो हमको ब्लैकमेल किया जा सकता है ऑनलाइन, या फिर बिना ब्लैकमेल किए, ठीक है, भी हमसे पैसे लिए जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ओके, इस ट्यूटोरियल को जरूर लाइक कर दो। फर्स्ट हम समझते हैं फिशिंग क्या होता है।
फिशिंग का मतलब होता है कि हमारे पास कोई मैसेज आया, कोई मेल आया और हमें लगता है कि ये हमारे काम का मेल है या काम का कोई लिंक है, उस पर हम क्लिक करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देते हैं। वही बात है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। तो ये क्या हो गया, फिशिंग हो गया। मतलब कि जो हैकर है, जो क्रैकर है, उसने अपना क्या है, जो फिशिंग रॉड होती है ना, वो उसने अपनी क्या ही करी, फंसाई। मतलब कि उसने अपना जो मैसेज है, जो ईमेल है, वो आपको सेंड किया और अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया, यानी कि एक फिश की तरह आपने क्या करा, उसका जो रॉड का जो स्ट्रिंग है उसको अगर पकड़ लिया, तो आपका डेटा जो है वो हैक हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, फिशिंग से बचना है। अगर कोई लिंक आपके पास आ रहा है तो उस क्लिक करो, बेशक उस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होता, लेकिन उस पर अपना डेटा एंटर करने से पहले 100 बार चेक कर लो, अच्छे से कंफर्म कर लो। और अगर कुछ ऐसा डेटा मांग रहा है जो कि आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, या फिर आपका कुछ पासवर्ड मांग रहा है, या फिर आपका डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो उस चीज़ से आपको बचना है। ओके, तो वो आपको चेक कर लेना है कि यार ये ओरिजिनल है या नहीं, जो वेबसाइट पर लिंक आपको भेज रहा है वो वेबसाइट SSL सर्टिफाइड है या नहीं। और ये तो आप जानते हो, जहाँ पर आप पेमेंट करते हो उन वेबसाइट के नाम तो आपको याद ही रहते हैं। जैसे कि सपोज कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आपका अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन बैंकिंग वाली वेबसाइट है, वो आपको पता ही होगी, ठीक है, कि किस तरीके से उस वेबसाइट का डोमेन नेम जो होता है, वेबसाइट का नाम, वो कैसे स्टार्ट होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही रहती होगी और हमेशा याद भी रखनी चाहिए, जहां पर आप अक्सर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन वेबसाइट्स के नाम आपको याद ही रखने हैं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मीनिंग क्या है, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगना एक दोस्त बनकर। सपोज मैंने आपको कॉल किया और मैंने कॉल करके बोला कि मैं आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ, मेरे को अपना ना फेसबुक का पासवर्ड बता दो, मेरे को कुछ काम करना है। या फिर आपको मैंने कॉल किया, मैंने आपसे ये बोला कि मेरे को ये जो लिंक है इस पर ना मैं अपना लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपना लॉगिन कर दो और मेरे को ये चीज़ परचेज कर दो, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर आपको ऐसी ही कोई कॉल आ जाए और आपको लगे कि आपका दोस्त आपसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है, तो समझ जाना इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। या तो वो आपका दोस्त बन के आपकी हेल्प मांग रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई आपकी आइडेंटिटी चुरा ले और आपकी आइडेंटिटी चुरा कर किसी और से हेल्प मांग सकता है, तो इस चीज़ से बचना है, ठीक है। तो ये भी बहुत होता है आजकल, दोस्त बनकर कॉल करते हैं, और दोस्त जो बनकर कॉल करते हैं हमें हेल्प करने से पहले ऑनलाइन 100 बार सोचना है। और हमको क्या करना है, वो चीज़ अगर बिल्कुल बहुत अच्छा जान पहचान का, बहुत अच्छा पर्सन है जिसको हम जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हमको पता है कि ये वही बोल रहा है, तो उसकी तो हम हेल्प करेंगे ही ऑब्वियसली, ओके, क्योंकि हमको ट्रस्ट है। लेकिन जब हमें कंफर्मेशन नहीं हो, ठीक है, कैसे कंफर्म करोगे, सिंपल वीडियो कॉल कर लो उस वक्त और देख लो कि हाँ ये मेरा जान पहचान का दोस्त है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे बचना है ये भी आपको पता चल गया। बात करते हैं हैकिंग की। हैकिंग मींस आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, या फिर आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। हो सकता है कि आप अपना ईमेल आईडी स्टोर करके रखते हो सकता है आप अपने पासवर्ड लिख के रखते हो, या आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रखते होंगे वो आपके कंप्यूटर या फोन्स में होते हैं। तो कोई आपके कंप्यूटर या फ़ोन को हैक कर सकता है। अगर सपोज कैसे हैक कर सकता है, सपोज आपके पास कोई लिंक आया, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड होकर वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपके जो कंप्यूटर है उसको स्कैन करेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट और जो ऐसी डॉक्यूमेंट्स होंगी उसे स्कैन करेगा और अपलोड कर देगा हैकर के सर्वर पर। तो ये कैसे होता है, सिंपल जो डाउनलोडिंग है उस चीज़ से बचना है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए उससे बचना है। अगर डाउनलोड हो गया तो तुरंत डिलीट मार दो। कोई पेन ड्राइव आपका फ्रेंड आपके पास लेकर आ रहा है, उस पेन ड्राइव में हो सकता है कोई ऐसा हैकिंग वाला वायरस हो, तो पेन ड्राइव को हमेशा स्कैन करके रखो, ठीक है। अपने कंप्यूटर में लगाने से पहले अपना फ़ोन किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए, हो सकता है कि वो आपके फ़ोन को हैक कर ले। पता है मैं खुद ऐसी ट्रिक्स जानता हूँ जिससे आपका फ़ोन एक मिनट में हैक हो सकता है, क्या आप बिलीव कर सकते हो। तो आप अपना फ़ोन अगर किसी को एक मिनट के लिए भी दे रहे हो ना, तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो कभी भी अपना फ़ोन किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए, हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ हैकिंग, आपके कंप्यूटर आपके फ़ोन को हैक कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्योरिटी। पहले हमने प्राइवेसी समझा था कि प्राइवेसी क्या होती है, डेटा का प्रोटेक्शन होता है, और हमारे डेटा को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। अब जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट होती है वो किस तरीके से हमारे डेटा को सिक्योर रखती हैं, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन जब हमारा डेटा ट्रांसफर होता है तो क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो पार्ट आते हैं, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब देखो
क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन जब हम हमारा पासवर्ड एंटर करते हैं या हम हमारी ईमेल आईडी एंटर करते हैं तो वो जो डेटा है ना वो कहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको पता है रीड किया जा सकता है ना, अगर किसी ने रीड कर लिया तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, जब भी हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर से निकलता है, अपलोड होता है, ठीक है, वेब सर्वर पर जाता है, जैसे कि अमेज़ॉन पर हम परचेज कर रहे हैं और वहाँ पर हम परचेज करते वक्त अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं, तो जैसे ही हमने एंटर करा डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद तो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है आपके कंप्यूटर से आपके मोबाइल से। तो उसी वक्त, ठीक है ना, जैसे ही एंटर कर देते हैं डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, उसी वक्त हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल क्या होता है, चेंज हो जाता है, एक ऐसे फॉर्मेट में बदल जाता है जिसको कोई भी रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, है ना। और जब जो डेटा ओरिजिनल जो हमारा नंबर वाला डेटा था वो एक ऐसे पासवर्ड वाले डेटा में चेंज हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर्स, बहुत ही रैंडम नंबर्स वाले डेटा में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे एनक्रिप्शन। और अगर बीच में अगर कोई हमारा डेटा टैप करके, ठीक है, किसी भी मान लो जहां से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होकर जाता है, जहां की आपने इंटरनेट सर्विस ले रखी है वहां से डेटा ट्रांसफ़र होकर जाएगा, तो वो हमारा जो डेटा अगर रीड भी कर रहा होगा तो भी उसे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा डेटा एनक्रिप्ट हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जब वेबसाइट के पास जाता है तो वो वेबसाइट क्या करेगी, डिक्रिप्ट कर लेगी हमारे डेटा को, क्योंकि उस डेटा में एक की होती है, उस की मदद से उस डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, और वो जो की होती है वो हमारे पास ही होती है और उस वेबसाइट के पास ही होती है जहां पर डेटा ट्रांसफर करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्रिप्टोग्राफी मीन्स डेटा का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को चेंज कर देना कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो जो टेक्स्ट जो बनता है ना डेटा का फॉर्मेट चेंज होने के बाद वो टेक्स्ट क्या कहलाता है, आपका साइफर टेक्स्ट। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। मेक श्योर स्टूडेंट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लो, और भी अमेजिंग लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ साइबर एथिक्स। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे नेटिक्वेट्स के बारे में और कंप्यूटर एथिक्स के बारे में। तो मेक श्योर कि आप इस पूरे लेक्चर को देखना, है ना, और आगे के लेक्चर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और उसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि हमारी और तुम्हारी मुलाकात रेगुलरली होती रहे और मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए गाइड करता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटिक्वेट से। तो नेटिक्वेट का मीनिंग क्या होता है, नेटिक्वेट का मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा एटिक्वेट्स क्या होते हैं। तो एटिक्वेट्स मींस कि हम सोसाइटी में किस तरीके से रहते हैं, हम सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम सोसाइटी में लोगों की हेल्प करते हैं या नहीं, ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, तो ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं एटिक्वेट्स, बिहेवियर, है ना। तो सोसाइटी के एटिक्वेट्स समझ गए आप। ऐसे ही अगर वही बिहेवियर इंटरनेट पर देखा जाए, बात करी जाए, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, नेटिक्वेट्स, मतलब कि इंटरनेट एटिक्वेट्स। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार इंटरनेट पर कैसे एटिक्वेट्स, इंटरनेट तो पूरा फ्री है, इंटरनेट पर तो बिल्कुल फ्रीडम है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पूरी फ्रीडम है, आप इंटरनेट पर कुछ भी कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, इट्स अप टू यू दैट व्हाट यू वांट टू डू। ओके, और स्टडी के लिए तो आप जानते हो आपके लिए सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा है, इट इज stopperji.com, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशंस आपको मिलते हैं, और आपको किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। तो इंटरनेट एटिक्वेट्स मीन्स इंटरनेट पर हमारा बिहेवियर कैसा है वो क्या कहलाता है, नेटिक्वेट। ओके, तो देयर आर सम रूल्स, नेटिकेट्स के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या हैं, उनका हम सभी को पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमें कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट या कमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं डालना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं भड़क जाएं, या कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जो कि नेगेटिव हो। ओके, ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेट है वो हम सब लोगों का एक माइंडसेट है एक तरीके से, ठीक है, और हम सभी लोग और खासतौर पर हम जो यूथ हैं वो जिस तरीके से इंटरनेट का पर डेटा डालेंगे ना, हम जिस तरीके को इंटरनेट बनाएंगे वो ही इंटरनेट बनेगा, ठीक है। अगर हम इंटरनेट पर नेगेटिव चीज़ें डालेंगे तो इंटरनेट क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव प्लेस हो जाएगा जो आगे आने वाली जनरेशन को, उनके माइंड को पॉल्यूट करेगा। तो हमें किस चीज़ से बचना होता है, ऑफेंसिव पोस्ट या कॉमेंट से बचना होता है, इंटरनेट पर कुछ भी नेगेटिव पोस्ट नहीं करना होता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरे इस लेक्चर को लाइक कर दो और बहुत ही अच्छा सा कमेंट राइट कर दो। ओके, तो
ये आपको समझ में आ गया कि ऑफेंसिव पोस्ट या कमेंट नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं प्राइवेसी। हमेशा अपनी प्राइवेसी का और दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। प्राइवेसी के बारे में आपने लेक्चर 1 में समझा ही था, है ना, और अगर नहीं समझा तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके लिंक, देख लेना चल के। ओके, तो प्राइवेसी का ख्याल रखना ही चाहिए। प्राइवेसी मीन दूसरों का जो डेटा है, दूसरों की जो इन्फॉर्मेशन है, उसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको किसी की कोई पर्सनल पिक मिल गई तो उसे आपने अपलोड कर दी, है ना, उस चीजों से बचना चाहिए। तो स्पैम नहीं करना चाहिए कभी भी हमको। स्पैम मीन्स कभी भी कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा, इंटरेस्टेड नहीं है, है ना, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उसे मैसेज करे जा रहे हो, मैसेज पर मैसेज करे जा रहे हो, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है। कंपनीज जैसे स्पैम करती है ना, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज हो गई या और भी अदर कंपनीज हो गई जो स्पैम पर स्पैम करती जाती हैं, लोगों को मैसेज पर मैसेज करती हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्पैम। तो आप स्पैमिंग से बच सकते हो, जो भी है जहां से भी आपको मैसेज आ रहा है आप उसे ब्लॉक कर दो इजीली। ओके, और खुद भी स्पैमिंग नहीं करनी चाहिए। क्या कोई चाहता नहीं है और आप उसे कंटिन्यूअसली मैसेज करे जा रहे हो, तो उस चीज से हमको बचना चाहिए। ओके, मैसेज उसे करो जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, जैसे कि मैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है, जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हो, आपको कोई भी आपके करियर के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए ट्रस्टेड बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद स्पैमिंग के बाद हम बात करते हैं हेल्प की। हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आपको जवाब देना चाहिए, है ना, कोई आपकी एडवाइस मांग रहा है बहुत ही अच्छी एडवाइस आपको उसे देनी चाहिए, ठीक है। हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए इंटरनेट पर, जैसे कि हम अपनी रियल लाइफ में हेल्प करते हैं ना, गुड एडवोकेट्स का एग्जाम्पल है, ऐसे ही हमेशा इंटरनेट पर भी हेल्प करनी चाहिए सभी की, कभी भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए इंटरनेट पर। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक पार्ट है हमारे साइबर एथिक्स का, ये आपको पता ही है। बात करते हैं कंप्यूटर एथिक्स की। कंप्यूटर एथिक्स का मीन्स ये होता है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर एथिक्स को आप नेटिक्वेटी मान सकते हो, है ना, ये बस एक अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है, तो आप लिखकर आ सकते हो, ठीक है ना, सेट ऑफ रूल्स दैट रिगार्ड द यूसेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर नेटिकेट्स के तरीके से लिखकर आता है तो इंटरनेट एटिकेट्स और बिहेवियर से लिखकर आ सकते हो। ओके, और कंप्यूटर एथिक्स के बारे में एमसीक्यूज पूछता है, नेटिकेट्स के बारे में एमसीक्यूज पूछते हैं, तो ये दोनों रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि कंप्यूटर एथिक्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स, है ना, नेटिकेट के भी रूल्स हैं कि इंटरनेट पर कैसे बिहेव करना चाहिए। कंप्यूटर एथिक्स का मीनिंग भी वही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब कि कंप्यूटर को कैसे यूज करना चाहिए, बात वही है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। ये बात आप मेरी समझ गए, तो नेटिकेट्स और उसके रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाय माय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस अमेजिंग लेक्चर ऑफ साइबर एथिक्स। टुडे इज लेक्चर नंबर 3। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसके साथ ही साथ और भी बेहतरीन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो इस लेक्चर को पूरा देखना है, और आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, पैराफ्रेजिंग के बारे में। ओके, कितने तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और हम कैसे कैसे उनके राइट्स ले सकते हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात रेगुलरली होती रहे और आपके करियर को हम ऐसे ही सुनहरा बनाते रहें। ओके, तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हमारी क्रिएशन ऑफ द माइंड। कोई ऐसी चीज जो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाई है वो क्या कहलाएगी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स, 10th के, 12th के, वो क्या कहलाते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने अपना दिमाग का यूज किया है और अपने मार्क्स को स्कोर किए हैं, वो लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। आप दिखा सकोगे कि देखो 10th में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। ओके, तो इसके साथ ही साथ अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो ना, तो वो आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है आपको ना आगे भविष्य के लिए, ये याद हो जाता है, ये ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ हम अपनी लाइफ में और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो भी एग्जाम हो उनमें अच्छा ही परफॉर्म करना है। ओके, तो क्रिएशन ऑफ माइंड का मतलब क्या है, आपने कोई वेबसाइट बनाई, कोई सॉन्ग बनाया, कोई बुक लिखी, आपने कोई पेंटिंग बनाई, वो क्या कहलाती है, क्रिएशन ऑफ माइंड। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई मूवीज बनाई आपने, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी क्रिएशन ऑफ माइंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ आपके माइंड को इस्तेमाल करके जो प्रॉपर्टी आपने क्रिएट करी है वो कहलाएगी आपकी इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी, इंटेलेक्ट को यूज करके जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है। ओके, तो अब हर तरीके की प्रॉपर्टी पर कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि आपकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है उसे कोई यूज नहीं कर सकता। ओके, आपके पास कोई प्लॉट है, आपके पास कोई कार है, तो उसका आपके पास पूरा पेपर है, आपके पास पूरा अधिकार है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं ही यूज कर सकता हूं और मेरे अलावा और कोई अदर पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत से परचेज करी है, राइट। तो ऐसे ही जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसके ऊपर अधिकार होता है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। लेकिन वो अधिकार कब होता है, जब आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन किया हो। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई तरीके की है, मैंने आपको बताया पेंटिंग, बुक, सॉन्ग, वेबसाइट, है ना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, जैसे कि पेंटिंग। पेंटिंग बेशक आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपके माइंड से क्रिएट करी गई प्रॉपर्टी है, लेकिन वो डिजिटल प्रॉपर्टी नहीं है। पेंटिंग अगर ऑनलाइन आपने बनाई है तो वो डिजिटल प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन अगर एक कैनवस पे बनाई है ऑफलाइन तो वो बेशक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है पर वो डिजिटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिजिटल प्रॉपर्टी के बीच डिफरेंस आपको पता चल गया। ऑनलाइन अगर आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो इट इज कॉल्ड योर डिजिटल प्रॉपर्टी। तो हर तरीके की प्रॉपर्टी पर आपके क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो कैसे वो राइट्स होते हैं, कैसे हम उन राइट्स को ले सकते हैं, वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि ट्रेडमार्क्स, आप ट्रेडमार्क्स का मीनिंग क्या है, सपोज कि आपने कोई सिंबल बनाया है किसी कंपनी के लिए या फिर कोई ऐसा स्लोगन लिखा है ना, जैसे कि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस, तो रुपीस का सिंबल आप जानते हो ना, आर, और बीच में से ऐसे कट जो एक लाइन होती है, ठीक है, तो वो क्या है, एक सिंबल है। तो अगर आपने कोई सिंबल डिजाइन करा है, कुछ आपने जैसे कि कोई स्लोगन डिजाइन करा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या डिजिटल प्रॉपर्टी। और उसके ऊपर आपको क्या मिल सकता है, ट्रेडमार्क मिल सकता है। अगर आपने अपने सिंबल पर, अपने स्लोगन पर ट्रेडमार्क ले लिया तो आपका अधिकार हो गया आपके उस डिजिटल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके जो सिटी में जो लॉयर्स हैं आप उनसे इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर ऑनलाइन सर्च ही कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन आप। ओके, और अगर आप कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो आपके एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप वेबसाइट पर विजिट करो topperzy.com। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको ईजिली मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, topperzy.com, नाम याद रखना। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में फर्स्ट है ट्रेडमार्क, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉपीराइट्स की। कॉपीराइट्स मींस जैसे कि कोई सॉन्ग है, वेबसाइट है, या सॉफ्टवेयर है, कोई डेटाबेस है, या आपने बनाया है तो उस पर आपको कॉपीराइट होता है। जैसे कि यूट्यूब पर आपने कोई वीडियो अपलोड करी है तो उस पर आपको कॉपीराइट होता है। ओके, तो कॉपीराइट का मीनिंग आप समझ गए, वो आपको मिल जाता है। आपने कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल या डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएट करी है तो कॉपीराइट मिलने के बाद क्या होगा, कोई भी आपके उस बुक को या आपकी उस स्टोरी को या आपके उस सॉन्ग को आपकी सहमति के बिना यूज नहीं कर सकता। वो आपको पहले मेल करेगा, आपसे परमिशन लेगा, आपने परमिशन दी तभी वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकता है। जैसे कि आपने कोई बुक लिखी है तो उस बुक के ऊपर आप क्या ले सकते हो, अपना कॉपीराइट ले सकते हो, ठीक है ना। आप सर्च करो हाउ टू टेक कॉपीराइट ऑन माय रिटर्न बुक या फिर न्यू बुक, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि आप अपनी न्यू बुक पर किस तरीके से जो है वो आप कॉपीराइट ले सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम पेटेंट की। पेटेंट मतलब पेटेंट वाला जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो मिलता है इन्वेंशन पर। कुछ आपने इन्वेंट किया, कोई मशीन बनाई है, बहुत ही न्यू एक मशीन बनाई है, इन्वेंशन की है, तो उस पर आपको क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। अब पेटेंट क्या है, पेटेंट होता है एक तरीके का अधिकार। ओके, जैसे कि आपने कोई न्यू फॉर्मूला बनाया, ठीक है ना, कोई कपड़े साफ करने का एक न्यू फॉर्मूला बनाया, या कोई बहुत ही रोबोटिक्स वाली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दे, कोई मशीन बना दे, तो उस पर आप अपना पेटेंट ले सकते हो कि ये एक बिल्कुल नया इन्वेंशन है और इसको मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मीनिंग होता है किडनैपिंग। किडनैपिंग मींस, अब ये किडनैपिंग किसी पर्सन की नहीं हो रही, किडनैपिंग यहाँ पर हो रही है प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, जैसे कि आपने कुछ ऐसा बनाया है, कुछ बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है, कुछ बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है या सॉन्ग लिखा है, ठीक है, लेकिन आपके उस सॉन्ग को या आपके उस प्रॉपर्टी को कोई उठा लेता है और यूज़ कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लेगरिज्म कहलाएगा। तो उसे अगर यूज़ करने से पहले उसने आपसे जो है वो परमिशन ली है तो वो यूज़ कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं प्लेगरिज्म किस किस तरीके से हो सकता है, कोल्यूजन, पार्शियल, सेल्फ या कंप्लीट। कोल्यूजन मीन्स जैसे कि आपने कुछ ऐसा बनाया, कुछ मान लो आपने कोडिंग लिखी बहुत अच्छी, ओके, और आपने वही कोडिंग या वही सॉफ्टवेयर या वही प्रोजेक्ट आपने अपने फ्रेंड को भी दे दिया। अब बनाया तो आपने, मेहनत आपने किया, लेकिन आपके फ्रेंड ने भी सबमिट किया, आपने भी सबमिट करा,
तो आपके फ्रेंड ने वो क्या करा है, प्लेगरिज्म करा है, किडनैप किया है, आपका जो डेटा है उसको चुराया है। ओके, तो ये किस तरीके की प्लेगरिज्म हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी कोल्यूजन वाली प्लेगरिज्म। तो ये हमको नहीं करना चाहिए, क्यों, फॉर द ग्रेटर गुड। क्यों, क्योंकि आपका फ्रेंड भी अगर सीख लेता है उस कोडिंग को, उस चीज को, तो वो आपके फ्रेंड के लिए, आपके फ्रेंड के फ्यूचर के लिए ही तो अच्छा होगा, है ना। तो इसलिए हमको प्लेगरिज्म से बचना चाहिए, फॉर द ग्रेटर गुड। अगर सभी एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करने लग गए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इनोवेशन है वो तो नहीं होगा ना, न्यू चीज़ें डेवलप कैसी होंगी। इसीलिए प्लेगरिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट है कि न्यू चीज़ें डेवलप हों। ओके, अब देखो कॉल्यूजन के बाद पार्शियल सेल्फ और कंप्लीट। पार्शियल मीन्स आधा आपने कुछ लिखा है, आधा आपने किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी कर लिया, कुछ ऐसे लिख रहे हो आप, ठीक है ना, तो आधा आधा आपने कहीं इधर उधर से देखा है, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्लेगरिज्म। तो वो भी नहीं करना चाहिए हमको। सेल्फ प्लेगरिज्म मींस आपने पास्ट में कोई काम किया था और अब आप क्या कर रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, खुद का ही काम को क्या कर रहे हो आप, स्टील कर रहे हो, प्लेगरिज्म कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ प्लेगरिज्म कहलाएगा। बात करते हैं कंप्लीट प्लेगरिज्म, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आपने किसी का डेटा स्टील किया है और आप उसे सबमिट करो, या कोई भी पर्सन सबमिट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड कंप्लीट प्लेगरिज्म। ओके, तो प्लेगरिज्म के हो सकता है कि किसी कंट्री में किसी जगह रूल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कोई सॉन्ग अगर चुरा रहे हो किसी का, और अगर जिसका वो सॉन्ग है उसने अगर आपके ऊपर केस कर दिया, तो इट माइट कॉज यू अ पेनल्टी और इवन अ जेल टर्म। ओके, तो इस चीज से हमको बचना चाहिए, प्लेगरिज्म से अपन को पचके रहना चाहिए। ओके, क्यों, क्योंकि केस हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है, और फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द इनोवेशन, अपन को प्लेगरिज्म नहीं करना चाहिए, खुद का न्यू इन्वेंट करना चाहिए अपने माइंड को यूज करके। ओके, बात करते हैं हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म, कैसे बच सकते हैं हम प्लेगरिज्म से। तो हम बच सकते हैं पैराफ्रेजिंग से या फिर साइटेशन से। पैराफ्रेजिंग का मीनिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई आर्टिकल है, इंटरनेट पर आपने कोई आर्टिकल देखा, कोई ऐसे देखा, अब वो ऐसे के ऊपर आपको भी लिखना है, लेकिन अब आपको प्लेगरिज्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कॉपी कर दोगे तो आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपको डेटा मिला है ना उसमें आप चेंजेस करो, ठीक है ना, मतलब इतने ज़्यादा चेंजेस कर दो कि आपको समझ में भी आ जाए और वो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी भी ना लगे, तो वो क्या कहलाता है, पैराफ्रेजिंग कहलाता है। ओके, तो इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा पैराफ्रेजिंग करती हैं, एक कोई आर्टिकल दिखा उस आर्टिकल में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर देती हैं और उसको पब्लिश कर देती हैं, तो इट इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। ओके, बात करते हैं साइटेशन की। साइटेशन मींस कि आपने कोई डेटा किसी का लिया है, आप कोई बुक लिख रहे हो, आप अपनी बुक में महात्मा गांधी की कोई सेइंग है, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए कुछ चीज़ें हैं वो आप लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको साइट करना है कि ये जो लाइन है, ये जो आइडिया है, वो किसका, वो किसी और पर्सन का है जिसका भी आप कॉपी कर रहे हो, तो वो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो आपकी पैराफ्रेजिंग नहीं कहलाएगी और कोई केस भी नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने बिल्कुल लॉ को फॉलो किया है, आपने बताया कि ये जो डेटा है वो किसी और पर्सन का है, तो वो क्या कहलाएगा, साइटेशन, मतलब आपने साइट कर दिया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं किसी और की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। ओके, तो साइटेशन आपको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, और भी आगे के जो लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क मी, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। और इसके साथ ही साथ आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जो भी आपको सर्च करना है, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। ओके, आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मैं और आप रेगुलरली मिलते रहें और आपके जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, उसे और भी सुनहरा बनाते रहें। ओके? हाय माय स्टूडेंट कम्युनिटी, कैसे हो, बिल्कुल फिट, कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आज हम देखेंगे साइबर एथिक्स का लेक्चर 4, और इस लेक्चर में हम जानेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड के बारे में, ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली ऐसी बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में और भी आगे के लेक्चर्स हैं, और भी आपके सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं जो आपकी एजुकेशन को और भी इम्प्रूव करेंगे, तो उनको भी आप चेकआउट कर लेना, पर पहले ये जो टॉपिक्स हैं उनको समझ लेते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानने का अधिकार, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक
कानून है, एक अधिकार है हम हिंदुस्तानियों का, हम इंडियंस का। क्यों? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हम हमारी गवर्नमेंट से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट आपको उस सवाल का जवाब जरूर जरूर आपको देने वाली है। ओके, तो जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक्ट लागू हुआ था आपका 2005 में, इसके अंतर्गत अगर आप अपनी गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछते हो तो गवर्नमेंट में जो जिस ऑफिस में आपने सवाल पूछा है वहां पर 30 दिनों के अंदर अंदर आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर लगेगा फाइन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपकी गवर्नमेंट कोई आपके लिए कानून लेकर आई है, कोई रोड बनाई है आपके घर के पास, या कुछ ऐसा लागू हुआ है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हो कि हमारी ये जो रोड है वो 250 करोड़ की क्यों बनी है, क्या क्या लगा है उसमें ऐसा, या फिर कोई मेट्रो ट्रेन बन रही है उसमें इतने करोड़ों रुपए क्यों लग रहे हैं, कोई कानून क्यों लागू किया जा रहा है, तो आप जो इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो गवर्नमेंट वो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने RTI लागू किया है, हर एक डेमोक्रेसी का जो हिस्सा है जो इंडियन, उसको वो इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है, ताकि हर इंडियन का गवर्नमेंट के ऊपर जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो इम्प्रूव हो सके। ओके, तो इसलिए RTI एक्ट को लागू किया गया है। तो ये आप समझ गए, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हो RTI और आप गवर्नमेंट से जो भी सवाल पूछना चाहो वो पूछ सकते हो, ठीक है, कि ये काम कैसे होता है, इस काम को क्यों करना है हमें, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो वो आप इजीली गवर्नमेंट से पूछ सकते हो। जैसे कि आप इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो ना अपने हेल्प के लिए, ऐसे ही आप अपनी अवेयरनेस के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने ज्ञान को और इम्प्रूव करने के लिए आप गवर्नमेंट से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ओके, तो RTI का मतलब आप समझ गए। अब बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की। डिजिटल डिवाइड का मतलब है डिजिटल डिफरेंस, मतलब लोगों के अंदर इंटरनेट का जो यूसेज है, टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है, उसके बीच जो डिफरेंस है ना, उसे कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। जैसे कि इंडिया में जो यूथ है और जिनके पास मोबाइल्स का जो एक्सेस है वो यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को, है ना, और गवर्नमेंट की सर्विसेज को, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करते, तो यही जो गैप है वो क्या कहलाएगा आपका, डिजिटल डिवाइड। ये आपको समझ में आ गया। अब डिजिटल डिवाइड एक सोशल इशू है, मतलब कि सोसाइटी का इशू है। अब डिजिटल डिवाइड में बात हो रही है एक्सेस टू इंटरनेट और ICT की, मतलब कि इंटरनेट को लोग कितने यूज़ कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि ICT को कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि e-commerce, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में समझाई था कि कितने लोग e-commerce यूज़ कर रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग e-commerce बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बिजनेस करना आसान होगा, और उतना ही ज़्यादा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सक्सेसफुल बनेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूसेज कर रहे हैं, घर बैठे ही शॉपिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि डिजिटल डिवाइड क्या है, एक सोशल इशू है, और इस इशू को दूर किया जा सकता है। वो कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ तरीके हैं, जैसे कि इंडिया में ट्रेनिंग कैंप्स हम लगा सकते हैं जिन लोगों को इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, उन्हें हम सिखा सकते हैं, उनको हम अवेयर कर सकते हैं कि यार देखो आपके पास जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल में अवेलेबल है, ठीक है, उसको यूज़ करके आप अपने टाइम सेव कर सकते हो, आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दूँ, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए, ठीक है, जिसके पास फीस नहीं है पे करने के लिए, वो इजीली ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। वेबसाइट पर विजिट करो topperg.com, और इस वेबसाइट पर आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उससे रिलेटेड जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, एनीथिंग, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, MCQs और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, एग्जाम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सब कुछ आपको ईजिली मिलेगा। ये आप समझ गए, ट्रेनिंग कैंप्स हम लगा सकते हैं और इंटरनेट की जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, और लोगों को अवेयरनेस जो है वो फैला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अब डिजिटल डिवाइड क्यों है, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, कि जो विलेजेस हैं या बहुत सी ऐसी जगहें जहां पर इंटरनेट स्लो चलता है या फिर जहां पर अभी तक इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है, तो वो क्या है, एक रीज़न है डिजिटल डिवाइड का। लिटरेसी, मतलब कि लोग शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। अभी इंडिया में कितने लोग हैं जो कि शिक्षित नहीं है और वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे, तो आप ये समझ सकते हो अगर अभी आपने ऑनलाइन करियर बना लिया ना अपना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो जनरेशन आ रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अपना इंटरनेट की तरफ उनका जो एक्सेस है, जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आगे की जो जनरेशन जो करने वाली है ना, ठीक है, वो आप अभी कर सकते हो, वो आपके लिए आसान रहेगा, अदरवाइज़ आगे
बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। हालांकि इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां पर सभी जो है वो अपना अच्छा खासा जो क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। कुछ आपको टिप्स चाहिए, कुछ पूछना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो इंटरनेट के बारे में कि किस तरीके से हम ऑनलाइन अपना करियर बनाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि लोग जो हैं वो लिटरेट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है इंटरनेट को यूसेज को लेकर। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं पर वो अवेयर नहीं है अपनी स्टडी को लेकर। उनके अंदर ये है कि यार हम कहीं जाएंगे फिजिकली, अपनी एनर्जी लगाएंगे, अपना टाइम लगाएंगे, अपना मनी लगाएंगे तो उनको एजुकेशन मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन आपके हाथ में ही है। ठीक है, जैसे कि कोई बुक आपके हाथ में है ना, वो आपको एजुकेट कर रही है, ऐसे ही बुक का जो एडवांस वर्जन है ना वो है एक मोबाइल। ठीक है ना, जो आपका क्या कर रहा है, आपको एजुकेशन दे रहा है। और कैसे एजुकेशन दे रहा है, बिल्कुल एक एडवांस तरीके से। ओके, पहले की जो बुक्स थी वो बोलती नहीं थी, है ना, वो लिखा हुआ होता था। अब की जो बुक्स हैं यानी कि जो मोबाइल्स, वो बोल सकते हैं। आप कुछ भी सर्च करो, आपको आपकी जो समस्या है उसका सवाल, उसका जो आंसर है वो आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया लिटरेसी के बारे में। सोसाइटी, एक सोसाइटी का भी इशू है जी, कि कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल यूज़ करने नहीं देते, है ना। जैसे कि जो उनका बेटा है वो अभी छोटा है, या फिर उनकी जो बेटी है वो बहुत छोटी है, तो उनको यूज़ करने नहीं देते। तो पेरेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अब एडवांस हो गए हैं, वो जितना जल्दी से जल्दी उनको इंटरनेट यानी कि एक जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है ना वो उनको प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो अच्छा रहेगा उनके लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। और भी लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। ओके, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो इस लेक्चर को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाय, तो लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। मेक श्योर कि अगर आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट के बारे में। ओके, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है और जिसके लिए, मतलब कि यूजर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, तो ये जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मेकर और यूजर के बीच में। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं यूसेज, सॉफ्टवेयर के यूसेज की जो यूजर है यानी कि पर्सन है वो उस सॉफ्टवेयर को किस किस तरीके से यूज कर सकता है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस में। और अगर जो यूजर है वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करता है, डिफाई करता है या फिर ब्रीच करता है, उन टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ता है, तो क्या पेनल्टी लग सकती है, वो भी लिखा हुआ होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज में। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। तो एक जैसे कि इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर लाइसेंस है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इस सॉफ्टवेयर लाइसेंस में क्या होता है कि कोई भी सोर्स कोड रिलीज नहीं किया जाता, मतलब कि जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है ना, और उस सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिनल कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है ना, जिसको लिखकर कोड यानी कि प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो वो जो ओरिजिनल कोड है वो रिलीज नहीं किया जाता। इसका मतलब कि उस सॉफ्टवेयर के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते और आप उसके साथ जो है कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हो। और अक्सर प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होता है उनमें की का यूसेज होता है, मतलब कि आपको प्रोप्राइटरी वाले सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं पैसे देकर, और आपको उसके बदले में एक की मिलती है और उस की के साथ आप उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, तो वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं फ्री या फिर फ्री वेयर की। तो ये फ्री वेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड रिलीज किया गया होता है, तो मतलब सॉफ्टवेयर को स्टडी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। और हो सकता है कि फ्री वेयर वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ नॉमिनल या थोड़ी बहुत फीस भी ली गई हो। ओके, और जो फ्री वेयर वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चेंजेस करने के बाद। बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी फीस नहीं ली जाती। ओके, इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, उसके सोर्स कोड में हम चेंजेस करके उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ओके,
कम्युनिटी बनी हुई होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की। अब देखो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उनकी ऑनलाइन कम्युनिटी बन जाती है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हो गए उनकी भी ऑनलाइन कम्युनिटी क्या होती है बन जाती है, जिससे कि उस सॉफ्टवेयर में लोग कंट्रीब्यूट कर सकें और वो सॉफ्टवेयर और भी ज़्यादा क्या हो ग्रो हो। जैसे कि पाइथन, पाइथन क्या है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो पाइथन की क्या है एक बहुत ही ह्यूज ऑनलाइन कम्युनिटी है जो कि पाइथन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, न्यू न्यू लाइब्रेरीज न्यू न्यू चीज़ों को ऐड करती है। तो अगर आप क्लास 11th या 12th में आने वाले हो और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो वेबसाइट पर विजिट करो topperg.com। ओके वेबसाइट का नाम ये रहा, और वेबसाइट पर विजिट करके क्लास 11 फुल पाइथन कोर्स, क्लास 12 फुल पाइथन कोर्स, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सर्च करो, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा स्टडी नोट्स के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ओके तो और आप अगर मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को फॉलो कर सकते हो। ओके तो देखो ये आपको समझ में आ गया ओपन सोर्स क्या होता है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ ठीक है एक मूवमेंट चालू हुआ जिसको हम बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। ये मूवमेंट मतलब एक तरीके से क्रांति है ऑनलाइन, जिसमें क्या करा गया है फ्रीडम, किस चीज की फ्रीडम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, मतलब बिल्कुल फ्री और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें हम चेंजेस कर सकते हो और खुद अपने नाम से सेल कर सकते हो या वापस किसी को शेयर कर सकते हो। तो वैसे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे सॉफ्टवेयर के क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट को चालू किया गया है, ताकि सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई पाबंदी ना लग जाए, ऐसा ना हो कि मार्केट में जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो उनके लिए पैसा चार्ज किया जाने लगे। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली होगी, ठीक है, और उससे हो सकता है कि इनोवेशन या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट हो वो एक पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में ही रहे, ठीक है, तो शायद ये अच्छा नहीं है। ओके तो इसी वजह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट को रखा गया है, जिससे कि जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके। बात करते हैं बीएसडी की, ये भी एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस है और इसका जो कोड है इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं और रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके ओरिजिनल कोड में चेंजेस करने के बाद। ओके बात करते हैं एमआईडी लाइसेंस की, ये जो लाइसेंस है इसके कोड को हम कॉपी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया? तो ये जो लाइसेंसेज हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को दिए जा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो लोग उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर सके, स्टडी कर सके, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लाइसेंस अच्छा लगता है आप उस लाइसेंस को उस सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ सकते हो। तो और भी कई लाइसेंसेज हैं जो कि सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो सारे लाइसेंसेज आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट topperg.com पर, विजिट करो स्टडी कर लो। ओके और अगर आप जानते हो कि आपके सिलेबस में HTML है, CSS है या फिर सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो सारे ट्यूटोरियल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली ऐसी ही बेहतरीन और एजुकेशनल वीडियोस आपको हमारी तरफ से रेगुलरली मिले। और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पर मुझसे एक्सप्लेनेशन तो वो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड नाइट।